Subscribe and press the bell icon for latest update. सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर एक अलग अंदाज में तंज कसा। गुजरात के पाटण में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टी ब्लू व्हेल चैलेंज के खेल में फंस गई है और 18 दिसंबर को आखिरी एपिसोड देखेगी। दरअसल प्रधानमंत्री ब्लू व्हेल चैलेंज का जिक्र कर उस खतरनाक गेम की ओर इशारा कर रहे थे जिसमें खिलाड़ी आखिरी स्तर पर आकर आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम तक उठा लेता है। उन्होंने कहा कि जब पहले दौर के मतदान में बीजेपी की जीत के संकेत मिल गए तो कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के बचाव के तरीके खोजने में लग गए। मतदान शुरू होने के एक घंटे बाद वरिष्ठ नेताओं ने ईवीएम चलाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक वरिष्ठ नेता ने तो यह दावा भी किया कि ब्लूटूथ से जोड़कर ईवीएम को हैक कर लिया गया है। इस पर मोदी ने कहा वे ब्लूटूथ चला रहे हैं लेकिन दरअसल वे ब्लू व्हेल गेम में फंस गए हैं। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।